Good morning, students. We are discussing about hydraulic pumps. Last lecture we have discussed about reciprocating pump and centrifugal pumps. Today we will discuss about performance of centrifugal pump and especially factors affecting performance of centrifugal pump कि वो कौन से factors हैं जो centrifugal pump की performance को affect करते हैं. लेकिन उससे पहले कुछ जो बेसिक डेफिनेशंस हैं उनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहूँगा. ये बहुत इम्पोर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आप कभी इंडस्ट्री में कोई इंटरव्यू के लिए जाते हैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो इसको अच्छे से समझ लीजिए. उसमें से कुछ टर्म आप पहले पढ़ भी चुके हैं हाइड्रोलिक्स में या जो लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में भी आप लोगों ने पढ़ा है जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड है जैसे कैविटेशन है, वेपर प्रेशर है. एक बार हम उसी की दोबारा बात करेंगे. देखिए एक टर्म होती है वेपर प्रेशर. तो सिंपली वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है. वेपर प्रेशर बेसिकली मे बी डिफाइंड एज ए प्रेशर ऑफ ए लिक्विड एट ए गिवन टेम्परेचर एट विच ए फ्लूड विल चेंज टू वेपर. यानी कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पर वह प्रेशर जिस पर जो लिक्विड है वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा उसको क्या बोलते हैं, वेपर प्रेशर. अब कैविटेशन को समझ लीजिए अच्छे से. कैविटेशन नाम से इंडिकेट है कि इसमें कैविटीज फॉर्म होने लगती है. देखिए होता क्या है, जब किसी सरफेस पे कोई लिक्विड फ्लो कर रहा होता है तो अगर किसी भी पॉइंट पर वो जहां पर वो सरफेस पे लिक्विड फ्लो कर रहा है उस फ्लो के किसी भी पॉइंट पर अगर प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है, यानी उस पॉइंट का जो प्रेशर है जहां पर लिक्विड फ्लो कर रहा है उसका प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो लिक्विड क्या है वो वेपराइज होने लगता है, यानी बबल्स बनने लगते हैं. और वो बबल्स जब आके जाते हैं जहां पर प्रेशर ज्यादा है वेपर प्रेशर से तो वहां पे वो फूट जाते हैं, कोलैप्स कर जाते हैं. तो ये कोलैप्स करने की वजह से जो सरफेस है उस पर एक तरह का हैमरिंग एक्शन होता है. ऐसा होता है जैसे कोई हथौड़े से चोट मार रहा है, उसकी वजह से जो सरफेसेस हैं उनमें कैविटीज बन जाती है, वाइब्रेशंस होते हैं, नॉइज होती है. और वो बहुत सारी जैसे कि टर्बाइन्स हैं जिसके ब्लेड्स हैं या अभी हम पंप की बात करेंगे तो पंप में जो जैसे इम्पेलर है सेंट्रीफ्यूगल पंप में वहां ये कैविटेशन बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकता है क्योंकि जो कैविटीज बनेंगे उससे आपके जो ब्लेड्स हैं वो उसमें रफनेस आ जाएगी और वो बहुत कॉस्टली मटेरियल के होते हैं. तो वेपर प्रेशर और कैविटेशन आप समझ गए होंगे. इसमें तीसरी टर्म है NPSH. NPSH बोलते हैं हम नेट पॉजिटिव सक्शन हेड. ये देखिए इसी से जुड़ा हुआ है वेपर प्रेशर से और कैविटेशन से. ये एक नॉर्मल पंप का डायग्राम है, सेंट्रीफ्यूगल पंप भी आप इसी से तरह समझ सकते हैं. तो इसमें देखिए दो पाइप होते हैं, एक सक्शन पाइप है, एक डिलीवरी पाइप है. इधर सक्शन हेड है और ये डिलीवरी हेड है, ये टोटल स्टैटिक हेड है. अभी हमने बात की थी कि जो प्रेशर है अगर लिक्विड किसी सरफेस पे फ्लो कर रहा है और किसी पॉइंट पर अगर वहां का प्रेशर उसके वेपर प्रेशर से कम हो जाता है तो कैविटीज बनने लगती हैं और वो कैविटीज या बबल्स जो बनते हैं वो जब कोलैप्स होते हैं तो उस सरफेस पे कैविटीज प्रोड्यूस करते हैं. तो इसी तरह से जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप है जब ये यहां से सक्शन पाइप से वाटर जाता है तो क्योंकि यहां पर सक्शन यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाता है तो अगर यहां पर प्रेशर इस लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो जाए तो ये जो पानी या जो लिक्विड ऊपर जा रहा है इसके बबल्स बनने लगेंगे और वो बबल जब यहां इंपेलर के आसपास पहुंचेंगे जो पंप के अंदर लगा हुआ है तो वहां पर ये कोलैप्स करेंगे तो वो पंप जो इंपेलर के जो सरफेस है उस पे बहुत कैविटीज फॉर्म कर देंगे. ओके वो जो बबल्स हैं वो सरफेस को रफ कर देंगे, खराब कर देंगे, उससे नॉइज भी प्रोड्यूस होंगी. इसको रोकने के लिए ये ध्यान रखा जाता है कि यहां का जो सक्शन हेड है जिसको हम क्या कह रहे हैं, नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है, वो इससे ज्यादा होना चाहिए. किससे ज्यादा, कि जो कैविटेशन को अवॉइड कर सके. तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड आप समझ गए होंगे कि जो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है वो हमें क्यों चाहिए होता है, कैविटेशन को दूर करने के लिए. या आपसे कोई पूछे कि भाई नेट पॉजिटिव सक्शन हेड क्या होता है तो मिनिमम सक्शन हेड है जिससे हम कैविटेशन को रोक सकते हैं. उससे नीचे अगर हम रखेंगे सक्शन हेड तो कैविटेशन होने के चांसेस रहेंगे. ये नेट पॉजिटिव सक्शन हेड है. एक टर्म और है इसमें
जिसको हम बोलते हैं प्राइमिंग। देखिए सेंट्रीफ्यूगल, ये सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल पंप में की जाती है। सेंट्रीफ्यूगल पंप में क्या होता है कि कई बार जो ये सक्शन पाइप है इसमें वाटर के साथ कुछ एयर बबल्स भी चले जाते हैं, तो इसको एयर बबल्स को निकालने के लिए हम पंप को स्टार्ट करने से पहले ये सक्शन पाइप है और ये इसकी केसिंग है इसको पहले पानी से भर देते हैं। इस पानी से भरने से जो हमने वाटर भरा है जिससे हम यहाँ से एयर को या एयर बबल्स को निकाल सकें, इसको पंप की प्राइमिंग करना बोलते हैं। प्राइमिंग दो तरह से की जा सकती है, एक आप मैन्युअली कर सकते हैं कि किसी अलग सोर्स से आप कोई वाटर वहां से सप्लाई कर दो और पंप को, इसके सक्शन पाइप को और इसकी केसिंग को यहां तक भर दो और फिर पंप को स्टार्ट कर दो। दूसरा है आप सक्शन के थ्रू क्रिएट करके कि आप मोटर चला रहे हो, यहां पर सक्शन क्रिएट कर दो तो और पहले पानी यहाँ पे सक्शन पाइप में और ये पंप की केसिंग में भर जाए। तो बेसिकली प्राइमिंग का जो पर्पज है वो ये है कि जो एयर बबल्स हैं वो अंदर ना जा पाए, क्योंकि एयर बबल्स अगर अंदर जाएंगे तो वो परफॉर्मेंस पे इफेक्ट डालेंगे, क्योंकि एयर जो है उसका स्पेसिफिक वॉल्यूम वाटर के स्पेसिफिक वॉल्यूम से बहुत ज्यादा होता है। मैंने आपको कई बार ये समझाया है कि जो वर्क डन होता है, चाहे वो वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस हो या वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस हो, वो स्पेसिफिक वॉल्यूम पे डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्पेसिफिक वॉल्यूम होगा उतना ही वर्क कंज्यूमिंग डिवाइस ज्यादा वर्क लेंगी, ज्यादा उनको पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक टर्म थी जिसकी मैंने बात की है। आइए अब बात करते हैं कि जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं परफॉर्मेंस को वो कौन कौन से हैं जो सेंट्रीफ्यूगल पंप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर सकते हैं। देखिए उसमें पहला है फ्लूइड विस्कोसिटी। अब ये सब वही टर्म है जो आप पढ़ चुके हैं, अपना जो प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूड आप सब जानते हैं। विस्कोसिटी बेसिकली क्या है, इंटरनल फ्लूड फ्रिक्शन होता है, यानी कि जो फ्लूड है उसकी लेयर्स के बीच आपस में जो फ्रिक्शन है या जो रेजिस्टेंस है उसको हम विस्कोसिटी बोलते हैं। और आप ये समझ लीजिए कि जो फ्लूड जितना ज्यादा विस्कस होगा उसको पंप करने के लिए आप उतनी ही ज्यादा आपको पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। ये बड़ा कॉमन सेंस है कि जो जितना ज्यादा विस्कस होगा या जितना ज्यादा जिसकी विस्कोसिटी जितना ज्यादा होगी उसको आपको उठाने के लिए या पंप करने के लिए उतना ज्यादा पावर सप्लाई करनी पड़ेगी। और जनरली सेंट्रीफ्यूगल पंप जो होते हैं वो लो विस्कोसिटी के लिए ज्यादा सुटेबल माने जाते हैं, तो इसलिए विस्कोसिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे ही वो पंप की परफॉर्मेंस पे भी इफेक्ट डालेगी। दूसरा है इसमें देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूड। आप सब जानते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये बेसिकली रेशियो होता है वेट डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड लिक्विड, या आप कह सकते हो इसमें स्टैंडर्ड लिक्विड हम वाटर के केस लिक्विड के केस में वाटर कंसीडर करते हैं। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, बेसिकली डेंसिटी ऑफ ए लिक्विड टू द डेंसिटी ऑफ वाटर। तो अगर आप वाटर के अलावा कोई और लिक्विड पंप कर रहे हैं, मान लीजिए कोई ऑयल पंप कर रहे हैं, तो उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी आप देखोगे, ठीक है, क्योंकि आप जो वेट होता है लिक्विड का वो डायरेक्टली जो अफेक्ट करेगा वो पंप की परफॉर्मेंस को करेगा, क्योंकि उतना ज्यादा आपको वर्क सप्लाई या इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी। थर्ड पॉइंट है इसमें ऑपरेटिंग टेम्परेचर एंड प्रेशर। देखिए जो आप पंप कर रहे हो या जो लिक्विड आप लो प्रेशर से हाई प्रेशर पे लेके जा रहे हो या लो लेवल से हाई लेवल पे लेके जा रहे हो, वहां का जो वर्किंग प्रेशर और टेम्परेचर है वो भी सेंट्रीफ्यूगल पंप की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करता है। अगर सपोज कीजिए वहां पर बहुत ज्यादा टेम्परेचर है जहां पे आप पंपिंग कर रहे हो, तो उस केस में आपको पंप के केस में स्पेशल सील या माउंटिंग्स इनका यूज करना पड़ सकता है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट है नेट पॉजिटिव सक्शन हेड एंड कैविटेशन। इसके बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी कि NPSH क्या है, कि जनरली ये प्रेशर ऑफ ए फ्लूड है जो सक्शन साइड में है, और ये क्यों यूज किया जाता है कि जो सक्शन साइड है हमारी, जो यहां जो है ये जो सक्शन पाइप है, इस साइड का जो प्रेशर है वो कैविटेशन को रोकने के लिए या कैविटेशन से बचने के लिए इतना ज्यादा होना चाहिए कि वो वेपर प्रेशर से ऊपर रहे, लिक्विड के वेपर प्रेशर से, नहीं तो आपके जो इंपेलर हैं उसमें डैमेज होने के चांसेस रहते हैं। तो नेट पॉजिटिव सक्शन हेड और कैविटेशन का बहुत बड़ा रोल है परफॉर्मेंस पे, कि यहाँ का जो सक्शन प्रेशर है वो लिक्विड जो आप वाटर है या जो भी लिक्विड है जिसको आप पंप कर रहे हैं उसके वेपर प्रेशर से ऊपर होना चाहिए, ठीक है, जिससे कैविटीज ना बने। और लास्ट है इसमें वेपर प्रेशर,
वेपर प्रेशर के बारे में मैंने अभी आपसे बात की थी कि वेपर प्रेशर जनरली क्या होता है कि किसी दिए हुए टेम्परेचर पर, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर वह प्रेशर जिसमें जो लिक्विड है वो फ्लूड वेपर में चेंज हो जाता है तो उसको वेपर प्रेशर कहते हैं। तो ये आप ध्यान रखिए, जो हम ये देखते हैं कि जो सेंट्रीफ्यूगल पंप के केस में कैविटेशन को रोकने के लिए कि जो प्रेशर है वो लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी पॉइंट पर सपोज कीजिए ये सक्शन हो रहा है और किसी भी पॉइंट पर यहां का प्रेशर लिक्विड के वेपर प्रेशर से कम हो गया तो वहां पर लिक्विड जो है वो वेपर फॉर्म में बनने लगेगा, बबल्स बनने लगेंगे और उससे फिर वो कैविटेशन होगा और कैविटेशन होगा तो वो जो इंपेलर्स के ब्लेड हैं या जो सरफेस है उसमें बहुत ज्यादा डैमेज क्रिएट करेगा। वहां पर आपकी जो नॉइज है, वाइब्रेशन है वो बढ़ जाएंगे जिससे पंप की ओवरऑल परफॉर्मेंस या इफिशियंसी पे फर्क पड़ेगा। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं और जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई है उनको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये एग्जाम के साथ साथ आपको इंटरव्यू में बहुत हेल्प करेंगे। ये जो टर्बाइन हुई या जो पंप है ये इंडस्ट्री में इससे रिलेटेड आजकल बहुत पूछा जाता है क्योंकि ये प्रैक्टिकल एक तरह से आपके फील्ड का पार्ट है। थैंक यू।